जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोआज। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 24 जनवरी 2020 में शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि में शनि देव जा रहे हैं, 2.5 साल के लिए जाएंगे, उसका मीन राशि वालों पर क्या इफेक्ट आएगा, उस गोचर का मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव आएगा, इसके बारे में चर्चा आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले हम पिछले 2.5 साल का जरूर देखेंगे कि पिछला 2.5 साल जब शनि धनु राशि में था तो मीन राशि वालों के साथ में क्या हुआ। सबसे पहला चीज, जब शनि धनु राशि में था तो मीन राशि वालों का, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बिल्कुल छूट गया, खाली हो गए, काम बना ही नहीं, काम बिगड़ गए, उल्टा बनने वाला था। लेकिन धनु राशि में जैसे ही पिछले 2.5 साल में शनि ने प्रवेश किया, सारा कैलकुलेशन उल्टी पड़ गई मीन राशि वालों की। साथ ही साथ खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, इनकम जीरो रह गई, ऐसा 2.5 साल इन्होंने गुजारे हैं। साथ ही साथ परिवार में भी वाद विवाद मतभेद रहा, प्रॉपर्टी का काम करवाया तो सही लेकिन अधूरा रह गया, कोई भी काम कराया लेकिन वो अधूरा रहा। साथ ही साथ शत्रुताएँ वाद विवाद भी रहा, लिटिगेशन भी रहा पिछला 2.5 साल। अब जब 24 जनवरी 2020 में शनि जो है मकर राशि में जाएगा तो मीन राशि पे इसका इफेक्ट होगा। सबसे पहला लाभ, इन्वेस्टमेंट भाव आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि आपको जो नौकरी के ऑफर नहीं आ पा रहे थे, सही डिजिग्नेशन नहीं मिल रहा था, व्यापारी लोग जो काम कर रहे थे उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो मिलने लग जाएगा, पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य में उन्नति होगी, स्वास्थ्य में जो समस्या चल रही है वो दूर होगी, स्वास्थ्य बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और संतान पक्ष से भी आपको कुछ खुशखबरी मिलेगी, या तो संतान होगी आपकी इन 2.5 साल में, या संतान आपकी मेडल अवार्ड या कोई ना कोई अचीवमेंट या कोई ना कोई अच्छी चीज़ हासिल करेगी। तो कहने का मतलब, जो मीन राशि वाले हैं उनका जो 2.5 साल है जो वो बहुत लाभकारी नजर आ रहा है। तो आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मित्रों,